और सबूत अगर वो मांगे सबूत तो उनसे बोलिएगा 15 लाख रुपया पहले दीजिए और 2 करोड़ रोजगार दीजिए। 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार दीजिए तब हम सबूत लेके आए, तब हम कागज नहीं दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, वरना आपको धक्के मार कर निकाल देंगे। और सबूत अगर वो मांगे सबूत तो उनसे बोलिएगा 15 लाख रुपया पहले दीजिए और 2 करोड़ रोजगार दीजिए। 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार दीजिए तब हम सबूत लेके आए, तब हम कागज नहीं दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, वरना आपको धक्के मार कर निकाल देंगे, धक्के मार कर निकाल देंगे। इसलिए हम अच्छे से बोल रहे हैं, चल जाइए, आप खुद भी इनके सामने छोड़ के हिम्मत कीजिएगा, उन्हें प्यार से बोलिएगा, इसलिए क्योंकि कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर बातों से मान जाए तो ठीक। और वो जो सबूत मांगते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, आगे ये सबूत देखना है तो चलिए आगरा में ताजमहल है ना हमारा, कुतुब मीनार है ना हमारा, वो दिल्ली में लाल किला है ना हमारा, और देखना है तो हमारे इस कलकत्ता के सरजमीन में, कलकत्ता के सरजमीन में टीपू सुल्तान है ना हमारे। मैं मोदी जी को कह दे रहा हूँ कि मोदी जी जब मर्द आ जाते हैं तो आप पप पप आ जाते हैं, जब औरतें आ जाती है तो आप नीचे आ जाते हैं। पांडे अभी थोड़ा झुक गए, अभी झुके है ना, बोल रहे NPR में कागज नहीं दिखाना होगा। उनका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? मैं कहना नहीं चाहता हूँ उनका नाम क्या है, आप जानते ही है, वो हर बार फेंकते हैं हम लोग लपेटते, लेकिन हम लोग खोलेंगे और वो लपेटेंगे। और अमित शाह ने कहा था कि अभी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कितना इंच, एक इंच भी। तो दिल्ली के सरजमीन ने कहा कि है तलिपान तो एक इंच पीछे हट के मत हट, हम तुम्हें ढक्के मार कर निकाल देंगे, हम तुम्हें ढक्के मार कर निकाल देंगे, तो कहता हम एक इंच भी नहीं हटेंगे, तो इसलिए तो दिल्ली ने उनको ढाक फेंक दिया। पार्लियामेंट में चलोगे आप, दिल्ली बहुत पाक जगह है, जहाँ इंद्रवली रहते हैं अब वहाँ तुम नापाक नहीं कर सकते मेरे अमित शाह, अब तुम वो जगह को नापाक नहीं कर सकते क्योंकि तुमने बहुत झूठ बोला। बोले थे तुम्हारे पीएम ने, हमारे भी पीएम है, हमें इज्जत तो करना ही होगा, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन उस वक्त जो उन्होंने बोला था उनका आया था, पर इस वक्त हमारा अच्छे दिन आए हैं और उनका बुरे दिन आए हैं, क्योंकि पहले ही से उन्हें झारखंड में तो फेंक दिया गया था, अब दिल्ली ने भी फेंक दिया, अब इंशाल्लाह अब उन्हें तो अब उधर से बिहार से भी फेंक देंगे, फेंक देंगे ना, बिहार से भी फेंक दिया जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आएंगे, अब हमारे अच्छे दिन। और उन्होंने हम जानते हैं उन्हें जी करके क्यों पुकार रहे हैं, जी करके इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी हमें पार्लियामेंट में चल कर कहा था भाइयों बहनों, इसलिए आज हम आपको जी करके पुकार रहे हैं, वरना आपकी औकात ही क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, अच्छे अच्छे को जी करके पुकारते हैं जो हमसे अच्छे अच्छे बात करते हैं। और हमारे पीएम जी गए थे रामलीला मैदान, उन्होंने कहा था कि NRC नहीं होगा, NRC नहीं होगा, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अगर NRC नहीं होगा तो आपके दोस्त होम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, उसका जवाब दीजिए हमें, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने कहा ना, तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों ने तो एक झूठ बोल रहे हैं, तो आप झूठ पकड़ा गया मोदी जी का, झूठ पकड़ाया ना मोदी जी का, तो इसलिए आप अपने उन्होंने अपना रंग बदल लिया, NRC हो किसी भी हालत में हो के रहते थे। और RSS वाले कहते हैं कि अगर मोदी जी अगर आप NPR करो तो NRC खुद हो जाते हैं, कहते हैं ना, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जब अगर हम जड़ी को उखाड़ कर फेंक देंगे तो पौधा क्या होगा, हम ये लड़ रहे काला कानून के लिए, ये तो हम नाम ले लिए NRC के लिए, लड़ रहे CAA के लिए,
लिए लड़ रहे हैं या किसी और के लिए लड़ रहे हैं। हम ये काला कानून के लिए लड़ रहे हैं।